मेरे व्लॉग्स जो देखते होंगे ना वो पहली बार आपको पैंट में देख रहे होंगे। हमेशा आप हाफ पैंट में होते हो, शॉर्ट्स में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि हम लोग जा रहे हैं रोज़ा इफ़्तार करने के लिए बाहर, और ये बहुत अनयूजुअल से चीज़ है। यूजुअली तो हम लोग घर पर ही इफ़्तार करते हैं, इफ़्तार करना घर पर ही पसंद करते हैं, बट कभी कभी इस तरह से बाहर जाना भी अच्छा लगता है। उसी का पूरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप यू विल एंजॉय इट। इफ्तारी बेबी पाश, इफ्तारी उनका इफ्तार मेनू मलयालम में लिखा है, आप पढ़ो जाके क्या लिखा है। देखो बेबी बेबी, स्पेस का देखना पड़ेगा ना, स्पेस का देखना पड़ेगा। मलयालम मेन्यू, इफ्तार मेन्यू मलयालम मेन्यू, इफ्तार मेन्यू मलयालम में। इफ्तार मेन्यू फुल मलयालम में लिखा है, अच्छा इंग्लिश में भी है। मसाला फ्राइज, स्प्रिंग फ्राइज, चाट फ्राइज। डेकोरेशन किया हुआ है इन्होंने, रमजान डेकोरेशन। तो फ्रेंड्स, ये पहुंच गए थे हम कैफ़े। अच्छा, ये कैफ़े ना हमारे घर के बहुत ही पास है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो इसीलिए मिमी अपनी जो साइकिल है ना उसमें आई थी। तो बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है हमारे घर के पास, और यहाँ पे इस तरह से पूरा इफ़्तार का जो है वो कॉम्बो मिलता है। तो कुछ नहीं करना होता, बस आपने जाना है, वहाँ पे बैठना है, और आपको सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी मिलेंगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इस चीज़ की बहुत ही अच्छा लगता है। ये कभी कभी मतलब सारी चीज़ें रेडी मिले तो इससे बेहतर और क्या ही होता है। और मतलब इफ़्तार से हम 15 से 20 मिनट पहले पहुँच गए थे वहाँ पे, अपना स्पेस बुक कर लिया था। और शवाया तंदूरी है, अल्फा मामा सब तो सेम है ऑलमोस्ट सेम है। अभी बता देते हैं, अभी बता देते। इफ्तार से पहले जितनी दुआ हो सकती है ना उतनी मांगनी चाहिए, रोज़ेदारों को भी और जिनका रोज़ा नहीं है उनको भी। इस वक्त की दुआएं ना जायज़ तमन्नाएं ज़रूर कबूल होती हैं, ठीक है। और यहाँ इफ्तार हो चुका था और अब हम यहाँ पर रोज़ा खोल रहे हैं अपना, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सारे लोग थे, हमारी एक टेबल अलग से थी और बाकी सारे लोग थे वहाँ पर, काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत रौनकें लग रही थी। और यहाँ पर रोज़ा खुल चुका था, उसके बाद आया था मेन फूड जो कि था यहाँ की बिरयानी और चिकन अल्फाम और शवाया, ये सारी चीज़ें थी। मतलब इफ्तार के बाद तो बंदा कितना ही खा लेगा ना, बहुत कम ही खाया जाता है, तो ज़्यादातर चीज़ें फिर हमने पैक ही करा ली थी। और आज का इफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हुआ था। मिमी तो फ्रेंड्स ये था आज का पूरा व्लॉग बाहर जाके इफ्तार करने का। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल मिमी एंड मम्मा व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।